हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब की जो है अपडेट लेकर। दोस्तों जो मैं आपको जॉब की अपडेट बताने वाला हूं, जो दोस्तों नौजवान हैं, दोस्तों जो अभी अभी मैं आपको बता दूँ, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिज़िकली काफ़ी एक्टिव हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं बहुत ही बड़े लेवल पर ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। और ये आप खासकर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये उन नौजवानों के लिए है जो दोस्तों रोज़ सुबह जाकर दोस्तों दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, उनके लिए। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों ये वैकेंसी आपको बता दूँ खासकर निकाली गई है दोस्तों BSF में। BSF मतलब आर्मी में दोस्तों। हाँ दोस्तों, आर्मी की बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसियाँ और सरकार द्वारा निकाली गई हैं, तो आप इनके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। आपको देर नहीं करनी चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप आसानी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप इसके लिए बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी जल्दी इसके लिए अप्लाई जरूर करें। सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है दोस्तों, जितने भी नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी के लिए, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो आप देर ना करें, लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताने वाला हूँ कहाँ पर जाकर इसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो आपको डायरेक्ट वेबसाइट भी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देर ना करें, जल्द से जल्दी अप्लाई जरूर करें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर पाएं। चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको अप्लाई करने में। दोस्तों इसमें आपकी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं रहेगी अप्लाई करने के लिए। मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपने 10th या 12th पास कर लिया तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। बहुत अच्छी आर्मी में जॉब है आपके लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। आपके कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फॉर्म में भरने पड़ेंगे, वो आपके पास खुद की डिटेल्स हैं वो होनी चाहिए। जैसे कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, 10th और 12th की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और आपकी डिटेल्स में मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या होना चाहिए वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको इसमें दोस्तों अपना लगाना पड़ेगा। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपका, और जितनी भी आपकी मार्कशीट है 10th 12th की वो आपके पास खुद के पास होनी चाहिए। और फॉर्म का लिंक आपको बता देता हूँ कहाँ पर जाकर आपको मिलने वाला है। फॉर्म का लिंक मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसका मिलेगा गूगल पर सर्च करने पर हेल्प एंड रोज़गार। दोस्तों अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं हेल्प एंड रोज़गार तो आपको नंबर 1 पे ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो देर ना करें, वहाँ पर जाकर आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। आप देर ना करें दोस्तों, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका फॉर्म का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए आपको जो सबसे पहले जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जल्दी से कर दें दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको ऐसी अपडेट हैं जो चैनल के थ्रू आपको मिलती रहे, नई अपडेट जो आती रहती है दोस्तों जॉब्स की। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें। आर्मी में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों सरकार द्वारा, जितने भी नौजवान हैं उनके लिए। तो आप जल्दी से इसके फॉर्म को भरें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जाकर शेयर करें जिससे वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएं, उनको भी कोई भी दिक्कत ना हो उसको अप्लाई करने में। और फॉर्म का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर इसके फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखने।